बुलंदशहर के शिकारपुर थाने में है दबंग दारोगा तैनात। दबंग दारोगा ने जेल न भेजने के नाम पर वसूले 35,000 बाकी रुपए न देने पर आरोपियों पर किया डंडे का जुल्म, भेजा जेल। दबंग दारोगा ने दिखाया वर्दी का रोब, आरोपियों को हवालात में डालकर फर्जी केसों में फंसाने के नाम पर वसूला रुपया। बुलंदशहर शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बड़े मिल्क के जंगल में कुछ लोगों में मारपीट कहा सुनी की घटना हुई थी, जिसमें सुरेंद्र कुमार त्यागी ने 6 युवकों के नाम रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें SI सुखपाल सिंह जांच करता था, जिन्होंने आरोपियों के परिवार वालों ने जेल न भेजने के नाम पर 35,000 रुपए की घूस ले ली और उसके बाद 15,000 फिर डिमांड कर डाली। बाकी रुपए न मिलने पर दरोगा जी आग बबूला हो गए और आरोपियों को जेल भेजने से पहले ही मारपीट करने लगे। इस बात को लेकर थाने में आरोपियों के परिवार वाले भी कोतवाली पहुंच गए। उधर थाने में भीड़ देखकर मीडिया कर्मी भी थाने में पहुंच गए। वहीं दरोगा जी की अभद्रता की वीडियो कैमरे में कैद कर ली गई है। वहीं इस प्रकरण की शिकायत आरोपी के परिवार वालों ने SSP से कर न्याय की गुहार भी लगाई। कोतवाली में हंगामा चल रहा था, किस बात को लेकर हंगामा चल रहा है और आप कहाँ के निवासी हैं? हम मेरे भटोला के निवासी हैं। हमारे 4-5 पकड़े गए और उनसे 35,000 रुपए लिए। किसने लिए, क्या नाम है दरोगा जी का? वो है सुखपाल सिंह। और हमने पैसा देने की कही तो पैसा ना दिए और हमारे वाले बच्चों को डंडा बजा है। गांव का एक मामला है, क्या मामला है जी? हमारा लड़ाई आपस में झगड़ा हुआ था और हमारे इनमें 3 बच्चे उठा लिए, बुलाए थे तो यहाँ फैसले के लिए, लेकिन वो पकड़ लिए, अंदर बंद कर दिए जी। उनके साथ फिर मारपीट करी जी और हमसे कुछ पैसे मांगे, 35,000 रुपये जी, तो हमने दे दिए और फिर भी हमारे नौकरी थी 151 में चालान हो जाए। तो क्या 151 में चालान हुआ? नहीं नहीं हुआ जी। जी फिर और पैसे मांग रहे थे जी, फिर हमने ना दिए तो उन पर माल लगे। कौन मांग रहे थे? सुखपाल सिंह दरोगा जी। जी हाँ, तो यही है, अब उनका चालान करा तो उन पर माल लगाएगी पहले। मतलब पैसे ना देने पर माल लगाएगी ये बच्चों में? हाँ जी। आज आप शिकारपुर कोतवाली में जो यहाँ पे एक मामला हुआ, क्या मामला है और यहाँ पे इस तरह की गर्मा गर्मी चल रही है कोतवाली में, क्या मामला हुआ साहब? बोलो बोलो।